बाहर मुझे मैम वो वहां पे बैठी काउंटर पे, बात कर रहे उन्होंने मुझे ये कहा अलाउ नहीं है, नहीं टेक्निकली अलाउ नहीं है सर, टेक्निकली दिस इज नॉट अलाउ। रिसेंटली कोई नई चीज पता पड़ी है कि भाई आरबीआई की गाइडलाइन आई कि बैंक आवर्स के कोई पर्टिकुलर लंच टाइम होता नहीं है। अगर लंच करना है, हर इंसान को भूख लगती है लंच करेगा ही, तो लंच टाइमिंग कोई बैंक के पर्टिकुलर नहीं कि वो 1:30 बजे से 2 बजे तक करें या 2 से 2:30 बजे तक करें। अभी मैं यहाँ पे कैश डिपोजिट कराने आया हूँ, ये आईडीबीआई की, ये मैं कैश पर्ची है मेरे पास, मैं कैश डिपोजिट करने आया हूँ बिलोड़ा की ब्रांच आईडीबीआई बैंक की। अब यहाँ के अंदर ये कह रहे हैं कि लंच हो रहा है, आप आधे घंटा वेट करो, आधे घंटे के बाद लंच खत्म होगा तब आना। तो मतलब इनके आवर्स मैटर करते हैं, हमारे लिए आवर्स कोई मैटर नहीं करते, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये मैं कह रहा हूँ कि मेरे को मैनेजर से बात करो तो मैनेजर के लिए बोल रहे हैं वो भी लंच कर रहे हैं। फिर मैंने कहा कि कोई अल्टरनेटिव स्टाफ होगा यहाँ पे, तो कहता है कि यहाँ पे स्टाफ की शॉर्टेज चल रही है, यहाँ पे स्टाफ नहीं है हमारे पास, इसलिए हम नहीं कर सकते, तो आपको आधा घंटा वेट करना ही पड़ेगा। और अभी मैंने गूगल पे टाइम आरबीआई की गाइडलाइंस देखी, उसमें ये दे रखा है, साफ पर्टिकुलरली बता रखा है कि आप कभी भी आएँ ओपन आवर्स के अंदर, जब बैंक खुला होता था आप कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं, स्टेटमेंट निकला सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, कोई आपको बैंक वाला रोकेगा नहीं, मना नहीं करेगा। अभी मैं इनसे कोई बहस नहीं करना चाहता, मैं वेट कर रहा हूँ, मैनेजर आता है, एक बार मैं मैनेजर से बात करता हूँ, वो मैनेजर क्या कहता है मेरे को। सर मैं वीडियो रिकॉर्ड करना चाहूंगा थोड़ी सी, मैं कर सकता हूँ? वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है सर, डेढ़ बजे आया मैं सर, वो तो बैंक में ये तो सभी अकाउंट्स की इंडस्ट्री ये सब चीजें होती है सर। तो मतलब पर्टिकुलर लंच टाइम फिक्स है यहाँ पे कि 1:30 बजे से 2 बजे टाइम में जनरली ये रहता है, अगर कोई कस्टमर नहीं होता है ना 1:30 बजे के आसपास, 1:30 से 2 के बीच में जनरली कर लेते हैं ये लोग लंच कर लेते हैं। लेकिन सर अभी आरबीआई की गाइडलाइन आएगी ना कि अगर बाई चांस आप लंच करते हैं, अलाउ करती है लंच करने के लिए, लेकिन आपको अल्टरनेटिव वहाँ पे कोई ना कोई स्टाफ होना चाहिए जो आपको कर देता हूँ। नहीं नहीं सर वो तो चलो मैं आपका, सर देखो क्या होता है बैंक में इतना ज्यादा मतलब स्टाफ कोऑपरेटिव होता है, मतलब जो चीजें बैंक में की जाती है ना कस्टमर जिसको या जिस तरीके से स्टाफ कंप्रोमाइज करता है अपनी चीजों के लिए, बैंकर्स जो करता है ना सर उतना कोई दूसरी इंडस्ट्री में नहीं होता है सर, आप ये चीज समझ सकते। नहीं नहीं मैं समझ, एक्चुअली मुझे तो इस चीज के लिए तैयार है, वो लंच करने गई आ जाएगी अभी 5 मिनट पहले, लेकिन फिर भी अगर आपको अर्जेंट है मैं ले लेता हूँ कैश। नहीं सर आप तो ले लेंगे, काम हो जाएगा। नहीं आप मुझे कोऑपरेट करें, मैं वो बात समझ रहा हूँ आपकी, लेकिन मैं आपको बाहर मुझे मैम वो वहाँ पे बैठी काउंटर पे, बात कर रहे थे उन्होंने मुझे ये कहा अलाउ नहीं है, नहीं टेक्निकली अलाउ नहीं है सर, टेक्निकली दिस इज नॉट अलाउ, ह्यूमन एक्ट के थ्रू भी नहीं, विदाउट परमिशन नहीं होता है सर। मैं आपको रूल्स के लिए बात कर रहा हूं, आप कुछ गलत तो बोल नहीं रहे हैं, मैं कोई गलत नहीं, मैं नॉर्मल हूं। मैं तो सर मैं व्लॉगर हूं, यूट्यूब पे मेरा चैनल है सर। अरे तो उसके लिए सर मैं क्यों कर रहे हैं, मुझे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं दे रहा हूँ ताकि लोगों को भी तो पता पड़े ना चीज़। सर तो ठीक है ना ये चीज़, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं परमिशन लेनी पड़ती है। मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता हूँ सर, आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपसे बस बात, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ बड़ा सर, मुझे हम लोग तो मेरी बात सुनेंगे सर, मेरी बात सुनेंगे आप। मैम ने मुझे अभी ये कहा था कि हमारे पास स्टाफ की शॉर्टेज चल रही है, इसलिए हम कैश डिपॉजिट अभी नहीं कर सकते, अल्टरनेटिव स्टाफ हमारे पास नहीं है। तो क्या ये चीज़ पब्लिक को मतलब समझनी चाहिए कि हाँ अगर बैंक के पास स्टाफ नहीं है तो वो आधा घंटा वेट करें? 10-15 मिनट के लिए कोई वो नहीं होता है सर, 15 मिनट स्टाफ लंच करने जाता है सर, मुझे आधा घंटे के लिए बोला है, पहले जो गार्ड भी है उन्होंने बोला था आधा घंटा होता है लेकिन जी कर लेते हैं, जनरली 15-20 मिनट में आ जाता है स्टाफ जी। तो सर ये 15-20 मिनट कस्टमर को वेट करना पड़ता है अगर कोई लंच पे हो तो? 15-20 मिनट तो सर सभी पब्लिक सेक्टर नहीं, अगर लाइन लगी हुई हो तो सर ऑब्वियसली वेट करना ही पड़ेगा, तो वो हो गई जी जी। लेकिन अगर कोई स्टाफ नहीं रहेगा तो उसी टाइम पे, अभी सर अभी एक्चुअली कोई भी नहीं था, मैं अकेला था, कैश डिपॉजिट करने आया था। आप रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए ठीक है, मैं ये आपसे तो मुझे किसी बैंक से या किसी अधिकारी से या किसी की नौकरी से मुझे कोई पर्टिकुलर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया। सबसे पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं कोई रूल्स की या गाइडलाइंस की बात करूंगा इनसे तो कहीं ये ओके नहीं हो जाए, कहीं गुस्सा नहीं करने लग जाए। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैनेजर थोड़ा ठीक थे, यहाँ के जो भी मैनेजर हैं कोऑपरेटिव नेचर था उनका, उन्होंने अच्छे से बात की, सारा मुझे कुछ समझाया सिस्टम के बारे में। लेकिन उनको एक बात तो मैंने भी समझाई कि सर मैंने को ज़्यादा नहीं पता बैंक के सिस्टम्स के बारे में, लेकिन बस इतना पता है मुझे कि नई जो आरबीआई की गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से आप कस्टमर्स को वेट नहीं करा सकते हैं जब तक अगर कोई लाइन नहीं हो या पर्टिकुलर कोई ज़्यादा भीड़ ना हो। आप लंच टाइम पे गए हैं, आपको आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, ये कहकर आप कस्टमर्स को वेट नहीं करा सकते। तो अगर आप लोगों को भी इस तरह की कोई दिक्कत होती है, अभी मुझसे कैश डिपॉजिट कर लिया है वो, इनफैक्ट मेरे को मैनेजर सर बोल रहे थे आप मुझे कैश डिपॉजिट करा दीजिए, मैं आपका कैश डिपॉजिट कर लेता हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं सर मैं आपको नहीं कराऊंगा, मैं कैश डिपॉजिट काउंटर पे ही कैश डिपॉजिट कराऊंगा। तो फिर भी मुझे 20 मिनट वेट करना पड़ा था, मैं 1:30 बजे आया था, 1:40 पे मैम आई थी, नहीं 1:50 पे मैम आई थी, और 1:53 तक मेरा कैश डिपॉजिट हो गया। वो अपना खाना छोड़ के आई थी और ऊपर से कैश डिपॉजिट कर रही थी, तो गुस्से से यूँ देखते देखते ही कर रही थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी गालियाँ खा लूँगा मैं, कोई बात नहीं।
लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आप तक भी पहुंचानी थी मुझे, तो मुझे लगा कि आप तक भी पहुंचाऊं। मेरा कोई पर्टिकुलर दुश्मनी नहीं है IDBI बैंक से, बिलवाड़ा से। मैं बस एक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन जो थी, जो RBI की गाइडलाइन है, वो आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई और ये मैसेज दिया। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म, वीडियो बोलूंगा या व्लॉग बोलूंगा ये मुझे पता नहीं है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना ये वीडियो है या व्लॉग है। ये व्लॉग जितना तो हुआ नहीं यार, ये क्या है, ये ऐसे इन्फॉर्मेटिव ही है। तो हालांकि मैं आज कोई मन नहीं था मेरा व्लॉग शूट करने का या पर्टिकुलर वीडियो शूट करने का, बस आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी थी इसलिए मैं शूट कर रहा था। अगर ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंची और आपको ये चीज़ समझ में आई और लगा कि हाँ जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनको अगर सही ढंग से या सही तरीके से समझाया जाए, तो सामने वाले जो अधिकारी होते हैं, जो हाई पोस्ट पे होते हैं, वो भी अपनी बात को अंडरस्टैंड करते हैं और समझते हैं। और वहीं पे अगर उन्होंने कोई गलती की, हम ऐसे चोड़ में तुमने ऐसे गलती कैसे करती, भाई गलती सबसे होती है, मिस्टेक सबसे होती है, कोई अच्छे से करता कोई नहीं करता, अपने को किसी का बुरा नहीं करना। देखो मेरी साइकोलॉजी इतनी सी, अपने को किसी का बुरा नहीं करना, सामने वाले को प्यार से समझाना। अगर वो प्यार समझ जाता है तो ठीक है, अगर वो काँ कू करने लग जाए, हाथापाई या लड़ाई झगड़े सिस्टम होने लग जाए, तो भाई अपन दूर हैं, अपने को कुछ भी नहीं था। अगर वो वहीं पे मुझसे बहस भी करने लग जाते तो मैं कुछ भी नहीं करता, इनफैक्ट मैं पर्टिकुलरली नहीं करता, या मैं इतना आवेश में आके उनसे बात नहीं करता कि आप लोगों ने ऐसे लंच टाइम कैसे कर सकते हो, हमें खड़ा कैसे कर सकते हो। प्यार से बताओ, समझ से समझाओ, किसी भी चीज़ को अगर प्यार से बोला जाए, एक अच्छे तरीके से डील किया जाए, तो वो चीज़ बात बन जाती है, और गुस्से से किया जाए तो वो बात बनते बनते बिगड़ जाती है। ये आज एग्जांपल मुझे मिला। अगर आपको ये व्लॉग ये वीडियो या व्लॉग जो भी ये इन्फॉर्मेशन लगी है, और आप चाहते हो कि हाँ ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, या आप लोगों को इस तरह से वेट ना करना पड़े, तो इस वीडियो को शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे और उन लोगों को समझ में आए कि हाँ हमारे क्या राइट्स हैं। दुनिया के हालात ये हैं, अभी रास्ते में आ रहा था एक बाइक वाला मुझसे, मतलब बाइक पे जस्ट यूँ आती अड़ नहीं लगा था बाइक के, लेकिन मैंने उसे एकदम ब्रेक लगाया, हॉर्न बजाया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई आराम से तेरे ही लगेगी, मेरा तो कुछ भी नहीं जाएगा, तेरे प्लास्टिक की गाड़ी है, स्प्लेंडर है। तो वो कहता है कि भाई कोई बात नहीं, बीमा है अपने। मैंने कहा कि वाह यार, मैं उसकी सोच से ही बड़ा वो हुआ। मैंने कहा कि ठीक है भाई, तेरे बीमा है, तेरे कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन हाथ पाँव के लग जाएगी, दर्द तो अपना ही होता है। तो इस तरह के आज कुछ इंसिडेंट मुझे मिले, लगता है आज का दिन कुछ ऐसा ही है। तो इस वीडियो को या व्लॉग को मैं यहीं पे खत्म करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया, तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।